नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल फ्लेवर्स बाय सुश में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने अपने वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए बनाई है लाजवाब कटहल बिरयानी। जब कुछ स्पेशल खाने का मन हो तो बनाइए टेस्टी कटहल बिरयानी, और मेरा वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट और शेयर करें। नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। कटहल बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम कटहल, और इसको काटने का भी एक तरीका है। इसको काटने के लिए सबसे पहले हम सरसों के तेल से अपने हाथ में अच्छे से ग्रीस करेंगे, चाकू को भी ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, और जिस बर्तन में हमें रखना है काट कर उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर कटहल देखिए हमने मार्केट से ही ऐसे पीछे से छिलका निकलवा के और कट लगवा लिए हैं, तो इसको आसान हो जाता है काटना। साइज आप अपने मन के हिसाब से रखिए पीसेस का। ये देखिए हमने थोड़ा बड़े बड़े पीस रखे हैं, क्योंकि बिरयानी में बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। देखिए तेल लगा के मैंने सारे इसके पीसेस काट लिए हैं। तेल लगाने से फायदा ये होता है जो इसका चिपचिपा सा दूध निकलता है तो आपके हाथों में बर्तन में चिपकता नहीं है। अब हम इसको थोड़े से मसालों से मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले डाल देंगे आधा छोटी चम्मच नमक, नमक बस खाली हल्का सा स्वाद आ जाए इसके अंदर इसके लिए डाल रहे हैं। आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च। इस पर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे बेसन, बेसन से बहुत अच्छा स्वाद भी आएगा और खुशबू भी। इसको हाथ से मिक्स कर देंगे। इससे देखिए सारे पीसेस पर मसालों की और बेसन की हल्की कोटिंग हो गई है। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्राई करेंगे प्याज। प्याज तलने के लिए हमने यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है, मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने तीन बड़े प्याज को महीन स्लाइस कर लिया है। इसको हम ब्राउन अनियन बनाएंगे, जिसको बिरिस्ता भी कहते हैं। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। ये प्याज हम यहाँ पर मीडियम हीट में फ्राई करेंगे। प्याज देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, पूरी तरीके से ब्राउन होगा ये जब हम प्लेट में निकालेंगे। अपने आप थोड़ी ब्राउनिंग इसमें और ज्यादा होगी, और आधा हम निकालेंगे आधा कढ़ाई में ही रहने देंगे। गैस यहाँ पर हमने बिल्कुल धीमी कर दी है। अब देखिए तुरंत ही इसमें हम डाल देंगे कटहल जो मैरिनेट होकर रखा है। इसको हम मीडियम हीट पर थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने से इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, और जब तक ये भून रहा है तब तक जल्दी से हम मसाले निकाल लेते हैं। यहाँ पर दही हमने ले लिया है आधा कप। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून जीरा ये भुना हुआ है, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। कटहल को यहाँ 3-4 मिनट में भूनते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे 2-3 मिनट तक। ये देखिए प्याज लहसुन भुनने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने दही में सारे मसाले मिला के रखे हैं। दही फटे नहीं इसलिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और आँच बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे, लो मीडियम रखेंगे। फ्रेंड यहाँ पर हम तेल की मात्रा बताना भूल गए थे, तो हम बता देते हैं। यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया था, मस्टर्ड ऑयल, और अब यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून बिरयानी मसाला। ये मेरा होममेड है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दही भी अच्छे से पक जाए इसके लिए हम धीमी आंच करके इसको 2 मिनट लिए ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, बहुत बढ़िया सा भून गया है। ये दही का मसाला पूरा भून गया, बहुत अच्छा ऑयल सेपरेट हो गया है, कलर भी बहुत ही खूबसूरत और खुशबू तो बहुत ही शानदार। अब हम यहाँ पर 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और कटहल को पूरा गलने तक पकाएंगे मीडियम आंच पर। नमक और जितना आपको स्पाइसी रखना है आप अपने टेस्ट के अनुसार रखिए। जब तक हमारा कटहल उधर पक रहा है, यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है चावल को पकाने के लिए पानी। पानी यहाँ लिया है हमने 2 लीटर। इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, 2 तेज पत्ते,
3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इस पानी को उबलने देंगे हम 5 से 10 मिनट तक के लिए। देखिए पानी 10 मिनट से बॉयल हो गया है और बहुत बढ़िया फ्लेवर आ गया है सारे मसालों का। यहाँ पर देखिए मैंने ये चावल बासमती लिया है, केवल 10 मिनट के लिए भिगोया है। आप अगर गोल्डन सेलर ले रहे हैं तो उसको कम से कम आधा घंटा भिगोएं, क्योंकि बासमती चावल को ज़्यादा देर भिगोने से टूटने का डर रहता है। तो हम इसको तुरंत ही डालेंगे और केवल 5 मिनट में ही निकाल लेंगे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच नमक। बस इसको एक बार ऐसे हल्का सा हिलाना है, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। देखिए चावल को बॉयल होते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं और ये 90% का पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। जो बड़े मसाले हैं इस तरीके के वो हम निकालेंगे, बाकी इलायची और लौंग वगैरह इसी में रहने देंगे। यहाँ पर देखिए कटहल भी अच्छे से पक गया है और देखिए थोड़ी थोड़ी ग्रेवी इसमें हल्की हल्की है। ये इसको बिरयानी को जो कच्चे हैं चावल 10% उसको पकने में मदद करेगी। तो अब हम इस पर लगा देते हैं चावल की लेयर। इस पर डाल देंगे तो 1 बड़ा चम्मच देसी घी, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है। 2 बूंद केवड़ा, थोड़ा ये ब्राउन अनियन, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और आधा छोटी चम्मच बिरयानी मसाला। हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे, इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। अब हम इसको कवर कर देंगे फॉइल पेपर से। अब यहाँ पर देखिए मैंने धीमी आंच में रखा है तवा भारी, इसके ऊपर रख देंगे इसको, जिससे डायरेक्ट आंच इसमें ना लगे और ये धीमी धीमी आंच में 15 मिनट तक ऐसे ही पकती रहेगी और दम हो जाएगी बढ़िया सी ये कटहल की बिरयानी। देखते हैं बिरयानी का क्या हाल है। 15 मिनट हो गए हैं, वाह क्या खुशबू है, बहुत ही शानदार दिख रही है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये तैयार हो गई हमारी कटहल बिरयानी। इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।